नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल रोचक एग्रीकल्चर में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायर के इंसेक्टीसाइड लेसेंटा से हम अपनी फसल में कीट नियंत्रण कैसे करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने आसपास के किसान भाइयों को शेयर करिए, जिससे यह जानकारी उन लोगों को पूर्ण रूप से मिल पाए और इस वीडियो का लाभ उठा पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायर का इंसेक्टीसाइड लेसेंटा कैसे काम करता है। लेसेंटा कीटनाशक में सिस्टमेटिक क्रिया होने के कारण यह रस चूसने वाले कीटों को कंट्रोल करता है। लेसेंटा पौधों की जड़ों को खाने वाले कीटों को भी कंट्रोल करता है, जिससे हमारी फसल लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। लेसेंटा कीटनाशक का छिड़काव जब अपनी फसल व बीज पर करते हैं तो लेसेंटा का रासायनिक तत्व हमारी फसल व बीज के अंदर चला जाता है। तो जब भी आने वाले समय में कीट का प्रकोप होता है तो वह कीट खत्म हो जाता है और हमारा बीज व फसल सुरक्षित रहती है। लेसेंटा कीटनाशक गन्ने में सफेद ग्रब व दीमक को भी कंट्रोल करता है। अब हम बात कर लेते हैं लेसेंटा के उपयोग के बारे में। उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग हम गन्ने की फसल में, सब्जी वाली फसल में, अनेक प्रकार की फसलों में इसका उपयोग हम करते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन सा रसायन पाया जाए। रसायन इसमें फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40% WG फॉर्म में पाया जाता है। इसके डोज की बात करें तो 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फसल के अनुसार हमें अपने खेत में प्रयोग करना, यानी कि 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका हमें अपनी फसल पर छिड़काव करना। छिड़काव करते समय हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि हमारी फसल में पर्याप्त नमी होना अनिवार्य है। और इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, 100 ग्राम का पैक हमारा 1150 के लगभग मार्केट में मिल जाता है। ये थी कुछ जानकारी बायर के इंसेक्टीसाइड लेसेंटा के बारे में। आप लोग इसका प्रयोग करिए और आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा और आपकी फसल कीटों से सुरक्षित रहे। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने आसपास के किसान भाइयों को शेयर करिए। धन्यवाद।